गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक। और आज हमने करनी है, सबसे पहले हम करेंगे प्रिक्यूशंस ऑफ फॉर टेस्ट चेकिंग, एंड देन उसके बाद हम टेस्ट चेकिंग इन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे ओवरऑल चेक। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रिक्यूशंस फॉर टेस्ट चेकिंग। कल हमने जो निपटाया ना टेस्ट चेकिंग क्या होता है, आज हम उसके रिगार्डिंग प्रिक्यूशंस को स्टडी करने वाले हैं कि क्या क्या सावधानियां जो होंगी वो हमें बरतनी चाहिए जब हम क्या करें टेस्ट चेकिंग। आप सबको पता है ना टेस्ट चेकिंग क्या होता है। टेस्ट चेकिंग के अंदर हम एक एक ट्रांजेक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, केवल कुछ एक फ्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर फोकस किया है हमने। वो भी हमने कैसे किया, जो रिप्रेजेंटेटिव होती है, वैसे तो वो ट्रांजेक्शन हमने उठाई है, लेकिन की हमने टेस्ट चेकिंग है। तो फिर जब आप टेस्ट चेकिंग कर रहे हो तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो आज हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहली बात, टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज। कहते हैं सबसे पहली बात, अगर आप टेस्ट चेकिंग कर रहे हो ना तो रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज उठा लेना, वरना आप फिर बाद में मत कहना कि आप फंस गए। कौन फंस गया? ऑडिटर फंस गया। अगर बाद में कुछ एरर एंड फ्रॉड हो गया ना, या फिर बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, तो फिर आप फंसोगे, क्योंकि आपने क्या नहीं उठाया, रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज नहीं उठाई। ऐसी एंट्रीज नहीं उठाई जो दूसरों को रिप्रेजेंट करें, यानी अगर आप क्रेडिट सेल्स की बात कर रहे हो तो अगर आप क्रेडिट सेल के ट्रांजेक्शन को क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो आप क्रेडिट सेल की ही दो एंट्रीज उठाओ ताकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हो। सेकेंड प्रिक्यूशन कह रहा है, ईच एम्प्लॉयज वर्क शुड बी सब्जेक्ट टू टेस्ट। कहता है हर एक एम्प्लॉयज ने जो काम किया ना, उनका हर एक एम्प्लॉयज का काम चेक होना चाहिए। आप टेस्ट चेकिंग कर रहे हो, ये अच्छी बात है, यानी आप कुछ एक ट्रांजेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये फोकस जरूर होना चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं उनकी एक एक एंट्रीज आपने चेक किए या नहीं किए, यानी उनका काम जरूर एक एक बार जरूर चेक हुआ होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमें विश्वास हो पाएगा ना कि सारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं। तो एक बार सभी एम्प्लॉयज के ऊपर नजर जरूर पड़नी चाहिए बेशक आप टेस्ट चेकिंग कर रहे हो। थर्ड पॉइंट में कह रहा है सिलेक्शन ऑफ एंट्रीज ऑफ डिफरेंट पीरियड। कहता है जब आप एंट्रीज का सिलेक्शन कर रहे हो तो वो डिफरेंट पीरियड की होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे ट्रांजेक्शंस एक ही पीरियड के। और आप इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि ये नहीं होना चाहिए कि आपने जितनी भी ट्रांजेक्शंस उठाए सारे के सारे आपने मंडे के उठा ले या फिर ट्यूसडे के उठा ले। आप अलग अलग डे के भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन उठा सकते हो कि आप एक बार मंडे के ट्रांजेक्शन ले रहे हो, ऐसे मत करना। आप पूरे ऐसे करो, मंडे के लो, फिर वेंसडे के लो, ऐसे बीच बीच में ट्रांजेक्शन को उठाओ, ऐसे करो। ठीक है, ऐसे मत करो कि बस आप केवल सैटरडे के सारे ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करो। फोर्थ पॉइंट में कहता है थोरो चेकिंग। कहता है थोरो चेकिंग करो, जिन ट्रांजेक्शन पे आपको डाउट लग रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है ना, उनको डीपली जाके स्टडी करो। बेशक टेस्ट चेकिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रांजेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको फिर डीप में स्टडी करो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट कहता है एंट्रीज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग मंथ शुड बी चेक्ड इन डिटेल। कहता है कि जो स्टार्टिंग की एंट्रीज होती है ना, मंथ के स्टार्टिंग की एंड जो मंथ के एंड के एंट्रीज होते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो, उनको जरूर से जरूर चेक करो, यानी उनको चेक करना मस्ट है। ओपनिंग एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज जो मंथ के स्टार्टिंग में और एंड में हुई है, उन ट्रांजेक्शन के ऊपर आप ज्यादा फोकस करो, उन एंट्रीज को आप चेक करो। देन उसके बाद रैंडम सिलेक्शन। सिक्स्थ पॉइंट में कहते हैं रैंडम सिलेक्शन वो तो करेंगे ना, आप टेस्ट चेकिंग के अंदर क्या करोगे, रैंडमली सिलेक्ट करोगे ना, तो रैंडम सिलेक्शन करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हो टेस्ट चेकिंग के टाइम। देन उसके बाद कहते हैं टेस्ट चेकिंग इन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहते हैं टेस्ट चेकिंग तो आपने कर लिया, ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये अब हमने स्टडी किया। तो कहते हैं बाय अडॉप्टिंग टेस्ट चेकिंग द ऑडिटर कैन रिड्यूस हिज वर्क कंटेंट बट ही कांट रिड्यूस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं जैसे आपने टेस्ट चेकिंग आपने अडॉप्ट किया, किसने, ऑडिटर ने, तो आपने अपना काम कम कर लिया ना। जहाँ पे 20 ट्रांजेक्शन आपने चेक करने थे वहां पे आपने दो ही ट्रांजेक्शन चेक कर ली, बहुत अच्छी बात है, वर्कलोड आप कम कर गए ना। अब फंस गए आप, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी आपकी है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो टेस्ट चेकिंग मेथड अडॉप्ट किया था, कोई ट्रांजेक्शन छूट गई होगी, मिल गया उसमें फ्रॉड, यानी आप जिसमें जिस ट्रांजेक्शन में फ्रॉड मिले उसी में बोल दो ये तो मैंने उठाई ही नहीं, मैंने तो टेस्ट चेकिंग की थी। नहीं नहीं, आप ऐसा करके बिल्कुल भी नहीं बच सकते। आपका वर्कलोड कम हुआ है लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल उतने ही हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है टेस्ट चेकिंग के टाइम पे। यानी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, उसका वर्कलोड कम हुआ है, वर्क कंटेंट हम कह सकते हैं ऑडिट वर्क कंटेंट कम हो गया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की जो है कम नहीं हुई। अब फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ रहा है मेथड्स ऑफ चेकिंग का, ओवरऑल चेक। तो देखो अगर हम वैसे बात करें ओवरऑल चेक का मतलब क्या होता है, ओवरऑल का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा, यानी ओवरऑल चेक कर रहे हैं ना हम किसी
चीज को, ठीक है। जैसे हम रूटीन चेकिंग या ओवरऑल चेकिंग, इन दोनों में फर्क क्या? यहाँ पे ना बच्चे अटक जाते हैं, लेकिन सिंपल बात है, कोई भी इसके इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रूटीन चेकिंग का मतलब होता है डेली के बेस पर डेली ट्रांजेक्शन को हमने स्टडी किया है, यानी एक दिन के अंदर कितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हो उन सारे के सारे ट्रांजेक्शन का ऑडिट होना होता है रूटीन चेकिंग। लेकिन ओवरऑल चेक क्या होता है? ओवरऑल चेक का मतलब होता है सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी है उसके बाद हम ओवरऑल चेक कर रहे हैं, यानी कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल है तो बेस्ट रहेगा। कहते हैं देखो जितने भी एक साल के अंदर जितने भी हमारे डेटर्स आए ना, उनका अगर हम रूटीन चेकिंग के टाइम पे चेक करते तो हमें डेली के बेस पर डेली का पता चलता कितने डेटर है कितने क्रेडिटर्स है, केवल इतना पता चलता। लेकिन हम ओवरऑल चेक के टाइम पे हम ये पता कर रहे हैं कितने तो हमारे टोटल डेटर्स है, कितना से पैसा हमें मिल गया है, यानी उसके बाद कितने हमारे क्रेडिटर्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज 31 मार्च को, और कितने क्रेडिटर्स का अभी पैसा देना हमारा बाकी है, कितने क्रेडिटर्स बचते हैं। तो ये कब पता चल पाएगा? ये ओवरऑल चेक के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा, रूटीन चेकिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाता। ओवरऑल चेक देखिए, ओवरऑल चेक का मतलब होता है अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स इज नोन एज ओवरऑल चेक। कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसको हम ओवरऑल चेक बोलते हैं। ओवरऑल चेक के अंदर इंक्लूड होते हैं ऑल दोस प्रोसीजर यूज्ड बाय द ऑडिटर टू डिटेक्ट द इनएक्यूरेसीज, जो इनएक्यूरेसीज को फाइंड आउट करने के लिए जो भी ऑडिटर ने प्रोसीजर फॉलो किया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच वर नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द रूटीन चेकिंग। जो रूटीन चेकिंग के टाइम पे नहीं मिल पाती या रूटीन चेकिंग के टाइम पे जो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते थे, ऐसे इनएक्यूरेसीज को जिस प्रोसीजर के थ्रू ऑडिटर ने फाइंड आउट किया वो हमारा क्या हो जाएगा? ओवरऑल चेक। ओवरऑल चेक के अंदर हम इसमें फिर एग्जाम्पल लेके बता रहेगा, फॉर एग्जाम्पल थ्रू रूटीन चेकिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट वेदर ऑल अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम डेटर्स हैव बीन रिसीव्ड और नॉट, कि जितना भी डेटर्स से हमारा पैसा रिसीव हो गया है सारा का सारा या नहीं, ये रूटीन चेकिंग के थ्रू हम पता नहीं कर पाते, लेकिन ओवरऑल चेक के थ्रू हम पता कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि रूटीन चेकिंग के अंदर डेली के ट्रांजेक्शन स्टडी किए, लेकिन ओवरऑल चेक के अंदर हम सारे के सारे ओवरऑल ट्रांजेक्शन को घूम के देख रहे हैं कि कितने डेटर्स ने हमारा पैसा दे दिया और कहाँ से पैसा हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है। देन उसके बाद इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू एंश्योर थ्रू रूटीन चेकिंग वेदर ऑल लाइबिलिटीज दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर हैव बीन पेड और नॉट, कि जितनी भी लाइबिलिटीज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वो सारे के सारे पे कर दिए गए हैं या नहीं की है, ये भी रूटीन चेकिंग के थ्रू पता नहीं चल सकता है। कि ओवरऑल चेक की वो है जिसके थ्रू हम ओवरऑल अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक बार चेक कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी लाइबिलिटीज अब तक हमने पे कर दी और कितनी अभी हमारी बचती है। तो आज हमने स्टडी किया आप ओवरऑल चेक एंड प्रिक्यूशंस के लिए टेस्ट चेकिंग के एंड ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके आज के लिए इतना ही, होप यू लाइक इट, थैंक यू।